Welcome to Guruveera Textile and Fashion Technology Tutorial. दोस्तों, हम आपको हमारा वीडियो चैनल Guruveera Textile and Fashion Technology Tutorial को आपको स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी कॉज रूट्स फॉर यार्न डिफेक्ट्स, यार्न दोष के लिए कारण क्या क्या है। यार्न डिफेक्ट्स ए प्रॉब्लम है ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, स्पिनिंग इंडस्ट्री का। ए स्पिनिंग इंडस्ट्री का प्रॉब्लम यार्न डिफेक्ट्स, ए कॉज रूट्स क्या है, जोड़ कारण क्या है, वो जोड़ कारण कैसा डिफेक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है, यार्न क्वालिटी क्या है, वो सब इधर आता है। देखो, ये पिक्चर है, ये इमेज है, ये रिंग स्पिनिंग मिल का इमेज है। यार्न में दो टाइप्स ऑफ यार्न है, एक फिलामेंट यार्न है, एक स्टेपल यार्न है। स्टेपल यार्न मतलब स्पन यान छोटा छोटा कट कॉटन लेंथ से बनाते हैं, छोटा छोटा कॉटन लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ऐसा 1 इंच, 1.5 इंच ऐसा है। वो स्पन इंडस्ट्री, स्पिनिंग इंडस्ट्री कॉटन में, कॉटन विस्कोस रेयॉन ऐसा, और भी कॉटन और पॉलिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन इन फिलामेंट में वो सिंथेटिक फिलामेंट यार्न, पॉलिएस्टर का यार्न और नायलॉन का यार्न वो थोड़ा अलग है, वो बहुत लंबी साइज रहते हैं, लेंथ में बहुत लंबी रहते हैं, इसलिए ऐसा डिफेक्ट थोड़ा यार्न डिफेक्ट थोड़ा कम रहते हैं। सो यार्न डिफेक्ट ज़्यादा किधर हम फेस करते हैं इंडस्ट्री में और वीविंग में और कपड़ा में, वो यार्न क्या है। इधर देखो, वो स्टडी करने के लिए हम स्पिनिंग स्पन यार्न इंडस्ट्री चूज किया। देखो, आप लोगों को मालूम है स्पिनिंग इंडस्ट्री, स्पिनिंग मिल में कितना मैकेनिज्म में काम करते हैं। जनरल मैकेनिज्म थोड़ा प्रोसेसिंग, प्रिपेयर्ड प्रोसेस ले लो और रिंग स्पिनिंग। पहला है ड्राफ्टिंग जोन, ये एक मैकेनिज्म है। ट्विस्टिंग जोन दूसरा मैकेनिज्म है, और वाइंडिंग जोन तीसरा मैकेनिज्म है। ये ड्राफ्टिंग जोन, ट्विस्टिंग जोन, वाइंडिंग जोन, तीन जोन में स्पिनिंग व्हील काम करते हैं, मशीन्स काम करते हैं। और ह्यूमिडिफिकेशन वो अलग है, वो ब्रेकडाउन ब्रेकेजेस मशीन मेंटेनेंस वो अलग है। ओके, दीज आर मेन बेसिक मैकेनिज्म्स स्पिनिंग में, मशीन में मैकेनिज्म चलते रहते हैं। देखो, यार्न डिफेक्ट, यार्न दोष, वो यार्न दोष कौन सा है, थिक एंड थिन प्लेसेस, स्लब्स, ज़्यादा स्लब, थिन स्लब, और हेयरनेस, बड़ा हेयरनेस, और सी परसेंट में वेरिएशन, यू परसेंटेज में वेरिएशन, कलर कंटेमिनेशन, सब ऐसा तो रहते है। और नॉटिंग प्रॉब्लम ऐसा रहते है। इसमें इस वीडियो में और एक दूसरा वीडियो में हम थोड़ा जानकारी देख सकते हैं। पहला है ड्राफ्टिंग जोन। ये ड्राफ्टिंग जोन कैसा काम करते हैं आपको मालूम है। ये तीन जोड़ का रोलर है, ये फ्रंट रोलर है, फ्रंट पैर है, वो बैक रोलर है, बैक ड्राफ्टिंग रोलर से, फ्रंट बैक रोलर से, मिडल है, मिडल रोलर्स को डबल एप्रॉन्स उधर जोड़ दिया। ये डबल एप्रॉन है, नीचे और ऊपर डबल एप्रॉन है, बैक ड्राफ्टिंग रोलर एंड फ्रंट ड्राफ्टिंग रोलर। ओके ना, देखो इसमें सेटिंग रहते हैं। सेटिंग क्या है,
ये फ्रंट रोलर का सेटिंग अलग है, मिडल रोलर का सेटिंग अलग है और बैक रोलर का सेटिंग अलग है। स्पीड गति, रोलर का गति स्पीड अलग अलग है, इसमें ज़्यादा रहते हैं, इसमें इससे थोड़ा कम है, इससे थोड़ा कम रहता है। ओके, क्यों ऐसा स्पीड वेरिएशन चाहिए? लेकिन वो फाइबर्स ड्रॉ करने का है, अटेन्यूएशन ऑफ द फाइबर्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटेन्यूएशन, ड्राइंग ऑफ द फाइबर्स। फाइबर्स कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसा फाइबर ड्रॉ हो सकते हैं, ऐसा फाइबर कीस्ट है, फाइबर कीस्ट है, अटेन्यूएशन होते हैं। ये इधर क्या है, ये रोइंग यान है, रोइंग सिंप्लेक्स से आता है, रोइंग बॉबिन इधर फीड करते हैं, रोइंग बॉबिन फर्स्ट बैक रोलर में जाते, वो बैक रोलर और मिडल रोलर के बीच में वो फाइबर स्पीड डिफरेंस है, इसका स्पीड और इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, क्या होता है, ड्राफ्ट होता है, किस्त है, फाइबर स्ट्रैंड वो किस्त है, और इधर का स्पीड और भी किस्त है, इसलिए क्या होता है, थिकनेस ऑफ द स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का थिकनेस है ना, रोइंग का थिकनेस वो कम होती है। यहाँ ड्राफ्टिंग कैसा ड्राफ्ट होता है, कितना थिन होते हैं, वो काउंट के बारे में, सिक्स काउंट, टेंस काउंट और ट्वेल्थ काउंट, 24 काउंट, 30s, 40s, 50s, 80s, लाइक दैट, वो डिपेंड अपॉन द काउंट, कौन सा काउंट स्पन करते हैं उसके स्पीड का क्या है, स्पीड है ना काउंट का, काउंट के देख के वो स्पीड एडजस्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग सेटिंग करते हैं, अलग अलग काउंट को अलग अलग सेटिंग करते हैं, अलग अलग स्पीड सेट करते हैं। 80s काउंट यार्न को फ्रंट रोलर स्पीड, ए स्पिंडल स्पीड अलग है, 60s काउंट को ए फ्रंट रोलर स्पीड, ए स्पीड अलग है, ए तीनों रोल का स्पीड अलग है, और 16 कोर्सर काउंट को स्पीड अलग है, स्पिंड रोलर स्पीड, स्पिंडल स्पीड, फ्रंट रोल स्पीड, मिडल रोल स्पीड, बैक रोल स्पीड, ये स्पीड सेट करना, ये पर्टिकुलर यान बनने के लिए, स्पन करने के लिए पर्टिकुलर सेटिंग सेट करना मशीन में, रिंग फ्रेम में, स्पिंडल कितना भी हो, 564 स्पिंडल हो, 864 हो, 1028 हो, कितना भी हो सेट करना, ऑल स्पिंडल्स सेम स्पीड और ऑल फ्रंट रोल स्पीड, एवरीथिंग सेट होना चाहिए। कितना स्पिंडल, देखो एग्जांपल 564 स्पिंडल में, ऑल 564 स्पिंडल है, क्या करना है, सेम स्पीड में, स्पीड सेम गति में चलना है। कोई डिफरेंस हुआ तो ये मशीन का प्रॉब्लम है और ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम है, कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दोष आया तो मशीन में है, ड्राफ्टिंग सेटिंग डिस्टर्ब हुआ तो क्या आता है, इधर यान के इधर आते हैं, बाहर आते हैं ना थिनेस, वो दोष से आते हैं, दोष डिफिकल्ट, दोष मतलब डिफेक्ट्स से आते हैं, प्रॉपर इधर सेटिंग कितना सेटिंग है बीच में और वेरिएशन है, डिफेक्ट हुआ तो, वेरिएशन हुआ तो चेंज होते हैं, ओके ना, वो इसलिए ड्राफ्टिंग जोन में डिफेक्ट अवॉइड करने के लिए सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व है ड्राफ्टिंग जोन में। ऐसा इधर क्या है, और इधर से इधर ड्राफ्टिंग जोन है, ये ड्राफ्टिंग जोन का सेटिंग महत्वपूर्ण है, और इधर यान गाइड है ना, यान गाइड से और रिंग है, रिंग ट्रैवलर है, ये बीच में ये रिंग यान गाइड मतलब फ्रंट रोलर का टिप है और रिंग ट्रैवलर है, और रिंग ट्रैवलर रोटेट करते हैं, रोटेट रिवॉल्व अराउंड द बॉबिन होते हैं, बाय रिवॉल्विंग ए ट्विस्ट इज इंसर्टेड हियर, ट्विस्ट क्या है, इंसर्ट होते हैं, ट्विस्ट डालता है, कितना ट्विस्ट, कितना अलग अलग काउंट को अलग अलग ट्विस्ट, ट्विस्ट पर मीटर और ट्विस्ट पर इंच, एक इंच में कितना ट्विस्ट टर्न्स चाहिए उतना, एक मीटर में कितना टर्न्स चाहिए, ट्विस्ट पर मीटर टीपीएम टीपीआई जानते हैं। इधर में भी कोई ब्रेकडाउन होता तो, कोई मशीन स्टॉप हुआ तो, कोई लेबर ऑब्सेंस हुआ तो, कोई डॉफिंग प्रॉब्लम कितना भी हो,
क्या होता है समटाइम्स वो यार्न ब्रेक्स होते हैं, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकेज, यार्न ब्रेकेज होते हैं और लेबर है, लेबर आके नॉटिंग करना, ऐसा नॉटिंग करना, ओके यार्न नॉटिंग कहते हैं। इसमें भी यह प्रॉब्लम रहती है, नॉटिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो भी डिफेक्ट आते हैं। प्रॉपर नॉटिंग चाहिए, यार लेबर हैज टू नॉट प्रॉपरली, बाद में ब्रेकेज हुआ तो करना है। और रिंग ट्रैवलर अलग अलग काउंट को अलग अलग रिंग ट्रैवलर यूज करना, नहीं तो डिफेक्ट होता है। कौन सा डिफेक्ट होता है? नॉट, इतना बड़ा बड़ा नॉट्स ठीक करते प्लेस और बड़ा लम्ब्स, इतना कोई कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ क्या है डिफेक्ट्स, कौन सा डिफेक्ट्स है उनको हम वीडियो में दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं। देखो ये थे ट्विस्टिंग जोन, ये वाइंडिंग जोन है। वाइंडिंग जोन में क्या चाहिए? वो स्पिंडल, स्पिंडल स्पिंडल वार्व है, ये बॉबिन है, स्पिंडल है। स्पिंडल कितना, वो स्पिंडल स्पीड वो भी 10,000 RPM होते हैं, 14,000, 16,000, 20,000, 24,000, डिपेंड्स अपॉन द काउंट, कौन सा काउंट कितना। वो सिक्सेस काउंट है, एक कोर्सर काउंट है, कितना फ्रंट रोलर स्पीड चाहिए, कितना स्पिंडल स्पीड चाहिए, और 12th काउंट को कितना है, 24th को कितना है और 30th को, अलग अलग काउंट को अलग अलग फ्रंट रोलर स्पीड चाहिए। इधर इधर एक 10K स्पीड, 10K और 8K सिक्सेस जा तो इधर कितना है, 140, 160, 170 कितना है, मतलब इधर जाते को 230 लाइक दैट आई एम राइटिंग हियर, आई एम मैं लिख रहा हूँ वो अंदाज है, एग्जैक्ट नहीं। ओके 25K स्पीड, स्पिंडल स्पीड है, 230 फ्रंट रोल स्पीड है, ओके इतना ऐसा स्पीड सेटिंग करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, स्पीड वेरिएशन, स्पीड में फर्क हुआ तो, और फ्रंट रोलर में और स्पिंडल स्पीड में फर्क हुआ तो यार्न ब्रेकेज होते, यार्न कट होते, अगेन नॉटिंग एंड अदर थिंग्स आर चलता रहेगा। ओके ये ड्राफ्टिंग जोन, ट्विस्टिंग जोन, वाइंडिंग जोन है। और एक इतना भी है, और ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन कंट्रोल करना। रिंग स्पिनिंग मिल में ह्यूमिडिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमिडिफिकेशन दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, डिफरेंट ह्यूमिडिटी, कितना वाटर पार्टिकल, अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल प्रेजेंट इन द ड्राई एयर, ओके ना, कार्डिंग में, ड्राइंग में, कॉम्बिंग में, और रिंग फ्रेम सिंप्लेक्स में, और रिंग फ्रेम में ह्यूमिडिफिकेशन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो नेक्स्ट क्लास में हमें हम क्लास लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्लास कंटिन्यू करते हैं, प्रिपरेटरी प्रोसेस से क्या डिफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ह्यूमिडिफिकेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है कलर कंटेमिनेशन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो मिक्सिंग डिपार्टमेंट से चेक करना चाहिए। और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज़ टू वो क्या क्या करना चेक करना है, सी वी परसेंटेज चेक करना है, यू परसेंटेज चेक करना है, बहुत सब्जेक्ट है, बहुत विषय हम यार्न डिफेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं, हम ये वीडियो स्टॉप करेंगे। देखो आजकल हम हिंदी में चालू किया वीडियो, एक साल से हम इंग्लिश में बनाया, और इंग्लिश में भी कंटिन्यू कर सकते हम करते हैं, लेकिन हिंदी में भी हम वीडियो बन रहा है। हमारा लैंग्वेज थोड़ा पुअर है हिंदी में, इसलिए हम क्या चाहते हैं, आप ट्राई टू कोशिश करो अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा लैंग्वेज डिलीवर करने के लिए। ओके प्लीज़ क्या करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक इट एंड शेयर इट एंड क्लिक द आइकॉन बेल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके थैंक यू वेरी मच।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्लिक द आइकॉन बेल टू गेट द नोटिफिकेशन, लाइक इट, शेयर इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.